चलते सड़क किनारे ठेला गुमटी लगाने वाले व्यापारियों ने यहां से हटने के बदले अपने व्यवस्थापन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सड़क चौड़ीकरण के चलते उतई मार्ग पर हटाए जा रहे अतिक्रमण और बेदखली से पीड़ित ठेला घूमटी व्यापारियों ने सोमवार को दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने व्यवस्थापन की मांग की और बेदखली रोकने एवं व्यापारियों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान को उचित स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग की और जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि ज्ञापन देने पहुंचे फुटकर व्यापारियों ने बताया है कि विगत 37 वर्षों से यहां सभी बिना किसी अवरोध के अपना व्यापार संचालित करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, मगर इस तरह से बेदखली की कार्रवाई से फुटकर व्यापारी को अपने परिवार की चिंता सताने लगी है। इसी कड़ी में सभी फुटकर व्यापारियों ने जिलाधीश से न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर महोदय के पास इसलिए आए हैं, अभी रोड चौड़ीकरण हो रही है जिसमें उन्होंने मार्किंग दी थी, उस मार्किंग से आधार पे हम लोग दुकान पीछे कर लिए थे। पीछे करने के बाद फिर एक मीटर और हटाने बोले, फिर बनाने के बाद फिर एक मीटर की जगह दिए। अभी फिर एसपी द्वारा नोटिस दिया जा रहा है कि पूरा तोड़ो। वहाँ 35 सालों से हम लोग बैठ के व्यवसाय कर रहे हैं कच्चा निर्माण करके, और वहाँ जो है अभी हटा देने से हमारे सामने रोजी रोटी की पूरी लाली पड़ जाएंगे, ना परिवार पाल पाएंगे ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और ऐसे में हम मंत्री जी से भी कल निवेदन करने गए थे सब, आज जाके वहाँ एसपी के की बिल्डिंग में भी मुलाकात करके आए हैं और आज कलेक्टर महोदय के पास भी आए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को कहीं व्यवस्थापन दे दे ताकि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। से मर्दा टैंक में व्यापार कर रहे हैं, सबकी रोजी रोटी वहाँ चल रही है, और अभी रोड चौड़ीकरण में हम लोग की सभी लोग की दुकानें जा रही हैं एवं एसपी प्रशासन द्वारा भी हमको हटाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमको पूरा व्यवस्थित किया जाए, हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमको व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थापन दिया जाए ताकि हम लोग को रोजी रोटी चलता रहे। हमने ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री के पास भी दिए थे और बीएसपी से भी आवेदन किए हैं और यहाँ कलेक्टर दुर्ग कलेक्टर में भी आए हैं। मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम परिवार सहित यहाँ पर धरना देंगे कलेक्टर के पास। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।